चीता, चीता है यहाँ पे चीता। टाइगर उठ गया, उठ गया। कैसे हैं आप लोग, मैं हूं आपका दोस्त सुफियान। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूं। आज के इस नए वीडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं, वेलकम एंड स्वागतम। तो आज मैं जाने वाला हूं एक नए लोकेशन पे, जहां पे ना समुंदर है ना पहाड़ है, क्योंकि इसके पहले मैंने पहाड़ और समुंदर का बहुत सारा वीडियो बना चुका हूं। तो आज एक नए लोकेशन पे जाने वाला हूं, जहां पे ग्रीनरी है और बहुत सारे एनिमल्स हैं। तो चलिए निकलते हैं और आगे जाके बात करते हैं कहां पे मैं जाने वाला हूं। तो बाइक निकाल लेता हूं और बाइक पे चल के फिर आगे जाके बात करते हैं। ओके गाइस, वाला हूँ आज रानी बाग, जो ये एक जू है जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ, चिड़ियाघर। तो हाँ जी, ये मुंबई में है, मुंबई भाईकल्ला में एक जू है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। वहाँ पे फिर से कुछ रीडेवलप करके बहुत ही अच्छा बना दिया गया है। इसके पहले था बना हुआ, लेकिन इतना अच्छा नहीं बना था, लेकिन अभी फिर से महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा उसको बहुत ही अच्छा चमका दिया गया है। तो मैंने कहा कि क्यों ना इस चकाचौंध को चल के मैं भी देख लूँ और एक्सप्लोर कर दूँ। तो चलो गाइस, जा रहा हूँ अभी, मैं रास्ते में हूँ, बस पहुँचता हूँ, आगे पहुँच के फिर दिखाता हूँ। बैठ जा दोस्त, जल्दी बैठ जा, चल निकलते हैं फिर फटाफट। हाँ बैठ गया, ठीक है, चलो निकलो निकलो। हाँ तो मैंने अपने दोस्त को बैठा लिया यहाँ से, साइन से, साइन से ले लिया उसको, और निकलता हूँ, क्योंकि यहाँ से बस कुछ 15 मिनट और लगेगा मुझे पहुँचने में। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे ही हूँ मैं, और 15 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा रानीबाग। तो जी हाँ, रानीबाग जा रहा हूँ मैं अभी, बस फटाफट पहुँचते हैं और देखते हैं जाके क्या कुछ नया है वहाँ पे। हाँ ये आ गया लगता है, यही है, यही है, हाँ यही तो है। बस ये ब्रिज से नीचे उतरूँगा तो सीधा आ गया है। हाँ ये देखो पब्लिक, ये मेन बड़ा गेट यही है। और मुझे कहाँ से जाना पड़ेगा मेरी बात। सो हे गाइस, मैं पहुँच गया हूँ अभी रानीबाग, और अभी जस्ट एंटर किया हूँ रानीबाग के गेट के अंदर। और यहाँ पे मैं बाइक पार्किंग जो देख रहे हैं आप, यहीं पे मैं अपनी बाइक पार्क कर दिया हूँ, और बाइक पार्क करके मैं जा रहा हूँ आगे, और जाके देखता हूँ कि कितने का है पार्किंग का चार्जेस वहाँ पे। तो ये मैं बता दूँ आपको कि ये ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के जस्ट एकदम बाजू में ही है इसका रानीबाग का गेट। भाईकल्ला रेलवे स्टेशन से तकरीबन 10 मिनट का रास्ता है। तो भाईकल्ला रेलवे स्टेशन आप अगर आएंगे तो वहाँ से 10 मिनट आप चल के भी आ सकते हैं। तो ये ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के जस्ट बाजू में है ये इसका गेट। सर बाइक पार्किंग, आधार कार्ड दिखाने का बाइक के पास, 5 रुपये बाइक, 5 रुपये तो ये 5 रुपये का है बाइक का पार्किंग, और 4 व्हीलर का 20 रुपीज़ है। बाइक का 5 रुपये और 4 व्हीलर का 20 है। तो आगे आया तो यहाँ पे टिकट काउंटर है, यहीं से टिकट लेना है, तो टिकट लेके फिर आगे जाता हूँ। ये है टिकट काउंटर यहाँ का, और ये रहा टिकट काउंटर, यहाँ से टिकट लेना है मुझे। और कितने का एक? हाँ
मैंने टिकट तो ले लिया, ये रहा टिकट, दो टिकट लिया हूँ क्योंकि सात का एक टिकट है, तो दो टिकट लिया 100 रुपये का, और मेरे साथ में ये है एक लौंडा है तो उसका एक टिकट है। और हाँ, मैंने कैमरे का टिकट लेना भूल गया था, तो कैमरे का 100 रुपये अलग से लगता है टिकट, ये है कैमरे का टिकट तो मैंने ले लिया है। तो अब यहाँ पे आ गया हूँ, ये इसका मेन अंदर का एंट्री गेट है, तो यहाँ पे चेक कराना है टिकट, उसके बाद आगे जाना है। मेन जो रानी बाग का जू एरिया है उसके अंदर एंटर कर चुका हूँ मैं, अभी किधर क्या है वो देखना पड़ेगा, इसका मैप चेक करना पड़ेगा पहले। अरे आशीष, तेरा दोस्त मोटू, ये देख तेरा दोस्त तेरा दोस्त ये है मोटू, ले सेल्फी ले मोटू के साथ भी है, पतलू भी इधर ही है, ये देखिए मेरा पतलू, हाँ मतलब यहाँ पे कछुआ और उसकी वाइफ है यहाँ पे। तो अंदर जाता हूँ, देखता हूँ कहाँ पे है, मतलब ये आगे जो है शायद से इसके अंदर ही ये कछुआ है, कछुआ इसके अंदर। हाँ ये रहा छोटा सा कछुआ, बच्चा है मतलब उसका बच्चा है शायद से, बेबी आगे भी है शायद से। और ये है नकली सा कछुआ, बहुत बड़ा सा, ये आ जा मेरे कछुए, ये शाबाश मौज कर दी तूने, वाश कर दी बेटे तूने, वाश कर दी, वाह। अरे बहुत सारे हैं यार इसके अंदर तो, ओ हो, गजब का नजारा, पानी के अंदर है यार इन लोग। ये है एनाकोंडा, अरे कोई तो सांप है, वो देखो एकदम अंदर एकदम नीचे पड़ा हुआ है, नीचे पे जाता तो काट दो। तो आगे मैं आया ना, तो यहाँ पे बहुत सारे काम चालू हैं अभी भी, मतलब आगे और आने वाले टाइम में ना और अच्छा बनने वाला है। तो इसमें जितने भी बर्ड्स हैं सब इसके अंदर मिल जाएंगे। हो जाल के अंदर से बाहर आ गए, ओ काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है यार इसके ऊपर पूरा जो नेट डाला हुआ है। हाँ ये एक नंबर, ये सारे बर्ड्स हैं इसके अंदर बड़े बड़े, एक्वा बर्ड्स है ऐसे, जबरदस्त। हाँ एकदम नज़दीक में है ये, काटेगा क्या उसमें, एक जगह वैसे ही प्यार करता है खाली, काफी बड़ा है यार। और ऐसे बहुत सारे इसके अंदर है यहाँ पे अंदर भाई, सही में ना पैसा वसूल है, मतलब 50 रुपये वसूल है टिकट, बहुत ही अच्छा बना दिया है। बहुत सारे टाइगर तो पहले देखना है यार मुझे, चलो आगे जाते हैं। टाइगर देखने मुझे टाइगर देखना है, तुझे हिप्पो देखना है, देख ले हिप्पो भाई, हिप्पो देखेगा लौंडा, हिप्पो देखेगा। बट यहाँ पे तोप रखा हुआ है,
ये कुछ सीन यहाँ का ऐसा है, बहुत ही प्यारा। ओ चल भाई लौंडे आजा, ये भी बहुत कुछ बाकी है दिखाने के लिए यार, इतना बड़ा है ना, घूमते 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 पूरा शाम हो जाएगा मुझे लग रहा है। हाथी मेरे साथी, यहाँ पे हाथी है, हाथी ये है हाथी यहाँ पे, और इसमें इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। अरे हो रहा हाथी, लगता है खाना खा रहा है अपना वो। और पब्लिक को मजा आ रहा है देख के, बच्चे भी बहुत सारे हैं, बच्चों को तो सबसे ज्यादा मजा आ रहा है यार हाथी देख के। सारे से आगे है, किसी ने बताया कि आगे है भालू, वहां पे नहीं था, यहाँ पे इस साइड में सारे से हाय। तो देख लिया फाइनली भालू दिख गया, देख के भी हो गया। ये सब पब्लिक देख रही है पीछे मेरे, बहुत सारी पब्लिक है देखने वाली, तो और चलते हैं देखते हैं कहीं और क्या है। चल चल, अरे इधर है टाइगर, हम जहाँ कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे। नहीं वो तो शेर है, टाइगर है। अच्छा टाइगर इधर है, ये है टाइगर यहाँ पे, मतलब ये नकली वाला है, असली वाला अंदर है। आया टाइगर, उठ गया। फोटो ले दो भैया, फोटो हमसे कुछ तो फोटो ले दो मुझसे, फोटो ले दो वीडियो ले फोटो ले अजय ईशा भाई चलो भूल दो। उठ गया बहुत देर के बाद, उठा है भाई नींद से, निकल भाई तू निकल आराम से निकल। ये आ गया ये, टाइगर टाइगर जिंदा है भाई, ये तो मैंने देख लिया कि टाइगर जिंदा है यार। चलो फाइनली देख लिया, आ गया, मतलब बहुत बुलाने के बाद आया आया। चल भाई बहुत बाद ना सब पब्लिक टूट पड़ी। यहाँ पे आगे ना एक कैंटीन भी है, अगर खाना वाना खाना है नाश्ता करना है तो यहाँ पे कैंटीन भी है। ये कैंटीन है, यहाँ पे नाश्ता वगैरह सब मिल जाता है, तो पब्लिक सब यहाँ पे नाश्ता कर रही है, बैठने का भी है, अंदर ही है रानीबाग के अंदर ही ये कैंटीन है, और ये वॉशरूम वगैरह भी है लेडीज जेंट्स का। ये हिप्पो तो हिप्पो क्या क्या करता है, ये
अरे यार पानी में है, निकल ही नहीं रहा है। बाहर निकले तो थोड़ा देखो, मस्त हो तो स्विमिंग पूल में अपने आराम कर रहा है। यहाँ क्या है, यहाँ पे शायद से हिरन है। हिरन संबर उसके बच्चे हैं दोनों, ये उसकी माँ सामर, सामर है, पता नहीं क्या है सामर। फर्स्ट टाइम। अच्छा इसका नाम ही सामर है, मुझे नहीं मालूम था, फर्स्ट टाइम मैं खुद ही देख रहा हूँ इसे। मतलब ऐसे वीडियो टीवी में ऐसे देखा हूँ लेकिन नाम नहीं मालूम था कन्फर्म। तो चल भाई आगे जाते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये क्या है यहाँ पे, मगरमच्छ। मगरमच्छ हाँ, कहाँ है वो, पानी में भूल गया पड़ा, पानी के अंदर है मगरमच्छ। अरे भाई बाहर दो है, तो ये है मगरमच्छ का घर। लेकिन अंदर पानी में सो रहा है, निकल ही नहीं रहे यार, सब तो पानी में आराम कर रहे हैं, पानी में पड़ा है। यहाँ पे शायद बाघ है, देखते हैं। चीता, चीता है यहाँ पे, चीता, तो इसके अंदर चीता है। अरे आगे आगे आ रहे हैं दोनों, आ रहे हैं, ये देखो आगे एकदम आगे भाई। ए चल आगे, चल आगे, चल इधर आ, इधर आ। अरे यार बहुत ही जबरदस्त नजारा है भाई, सही में क्या सीन है। यहाँ पे है ये है, यहाँ पे अंदर जाता हूँ। मोर, दिल मांगे मोर है यहाँ पे, मोर इसके अंदर ही है। दीवार पे ना उन लोग का वो बनाया गया, छोटा छोटा घर है। फुल फील आ रहा है ना एकदम, वो वाला गुफा वाला फील आ रहा है कि किसी गुफा में आ गए, एकदम वैसे ही बना है यार, एकदम सही है, पूरा फुल नेचुरल है एकदम। अंदर बर्ड सब अंदर घुसे हुए लगता है अपने घर में, ये इनका दीवाली के अंदर ना पूरा घर बनाया गया इसके अंदर, ये दिख नहीं रहे अंदर होएंगे। और यहाँ पे भी कुछ है, इस साइड में क्या है क्या है, यहाँ पे हैं जिनका नाम लिया गया है, ये सब बर्ड्स के अंदर है।
बहुत सारे मैंने कैमरे में दूर से है बराबर दिख रहा है कि नहीं। बाहर निकल जाना है तो मैं बाहर आ गया हूँ देख के। तो ये पूरा एक सेशन बनाया गया है बर्ड्स का, इसके अंदर पूरा बर्ड्स है। सो गाइज अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो यार प्लीज़ लाइक कर देना, और लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना, और ज़्यादा अच्छा लगा हुआ वीडियो तो शेयर भी कर देना। और मैं एक चीज़ अपनी दिल की बात बताना चाहूँगा कि अगर आप मुंबई से हो ना तो यार एक बार तो यहाँ पे आने बनता ही है। रानीबाग जू ज़्यादा दूर नहीं है, बाईकल्ला रेलवे स्टेशन के बाजू में ही है, बहुत ही अच्छा लोकेशन है, यहाँ पे आ जाना चाहिए आपको। आएंगे तो सही में ज़रूर मज़ा आएगा, नहीं तो पैसा वापस। तो ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और बने रहना मेरे ऐसे ही सारे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।